कैरेक्टर्स को किन सॉफ्टवेयर्स के सहारे बनाया गया, आखिर क्यों लिया मिनी माइक्रोबोट्स ने तैयार होने में ज्यादा समय। आज हम बात करेंगे इंडिया के रोबोटिक्स जनरी की सबसे शानदार मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में। रोबोट फ्रेंचाइजी के अंदर अब तक टोटल 2 मूवीज बन गई है, रोबोट मूवी और उसका सिक्वल रोबोट 2.0, जो कि एक बड़ी बजट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। रोबोट मूवी एक 3D में शूट की गई मूवी है, जो कि पूरी तरह से 3D में तैयार की गई और एक भी सीन 2D में नहीं बनाया गया। एक 3D सीन को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है और सीन को काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में तैयार की जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है Adobe Photoshop और Adobe After Effects, और मूवी के लिए यूज किया जाता है Adobe Premiere Pro। लेकिन After Effects सॉफ्टवेयर भी VFX और विजुअल इफेक्ट तक ही सीमित है, और रोबोट जैसी 3D मूवी को तैयार करने के लिए सिर्फ VFX सॉफ्टवेयर से बात नहीं बनती, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं 3D सॉफ्टवेयर, जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं Autodesk 3DS Max और Autodesk Maya, जिनमें 3D में कैरेक्टर सीन्स यहाँ तक कि पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है। Max और Maya में किरदार को तैयार करने के बाद उनको Blender और SketchUp जैसे सॉफ्टवेयर्स में और भी ज्यादा ग्रूव किया जाता है और उनके डिटेलिंग पे काम किया जाता है। रोबोट 3.0 मूवी में भी 3D एडिटिंग के काफी इस्तेमाल होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा काम था मूवी के सबसे खास कैरेक्टर 3.0 मीनो माइक्रोबोट्स, जिन्हें 3D सॉफ्टवेयर्स में तैयार किया गया है। सबसे पहले रोबोट्स को मैक्स और माया सॉफ्टवेयर्स में तैयार किया जाता है और उसके बाद उनमें रिगिंग की और टेक्सचरिंग की जाती है, जिससे पूरे रोबोट तैयार करने के बाद उनकी एडिटिंग करने के बाद उनके सीन्स तैयार किए जाते हैं। उन सीन्स को एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद उनको फिनिशिंग दी जाती है और मूवीज के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाता है। रोबोट 2.0 में हमने देखा कि 3.0 एक अकेला मीनो माइक्रोबोट नहीं था, बल्कि एक पूरे की पूरी माइक्रोबोट्स की आर्मी थी, जिस वजह से मूवी के 3D सीन्स को बनाने में ज्यादा समय और ज्यादा बारीकी की जरूरत थी, जिस वजह से मूवी के ऊपर 15 BFX कंपनीज से भी ज्यादा कंपनीज काम कर रही थी। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रूशियल प्रोजेक्ट क्यों था? क्या अक्षय एक एंटागोनिस्ट के साथ साथ प्रोटागोनिस्ट भी थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा बनाई गई मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में, जिसके एक्चुअल टाइटल अंतरिया। रोबोट 2.0 मूवी के काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी और मूवी के बारे में काफी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। रोबोट 2.0 रजनीकांत के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मूवी थी। उन्होंने बताया था कि एंथ्रन यानी कि रोबोट उनके करियर की एक बहुत ही खास मूवी थी और वो उस मूवी के सीक्वल पे काम 2010 से ही करना चाहते थे, मगर इसके अलावा रोबोट 2.0 मूवी रजनीकांत के करियर और लाइफ के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मूवी थी, क्योंकि रोबोट 2.0 मूवी से पहले की कुछ मूवी रजनीकांत की अंडर परफॉर्म करी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और उनका पॉलिटिकल और मूवी फ्यूचर टोटली डिपेंडेंट था रोबोट 2.0 की सक्सेस रेशियो के ऊपर। रोबोट 2.0 मूवी अपनी प्रीक्वल मूवी के लगभग 8 साल बाद आई थी और रजनीकांत ने इस मूवी में भी डबल रोल किया था और इसमें कोई शक नहीं कि रजनीकांत की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने अपने दोनों ही किरदारों को जस्टिस दिया और बखूबी निभाया भी। 8 साल के लंबे गैप के बावजूद रोबोट के कैरेक्टर में वही एनर्जी वही डेप्थ देखने को मिली ऑडियंस को, जिसकी तारीफ के हकदार है रजनीकांत। रोबोट 2.0 मूवी के डबिंग के वक्त बाकी एक्टर्स की मल्टी लैंग्वेज डबिंग की गई, लेकिन अक्षय कुमार की हिंदी डबिंग नहीं की गई, बल्कि अक्षय ने खुद ही अपनी आवाज दी थी रोबोट 2.0 मूवी की हिंदी डब के लिए, यानी कि अक्षय ने इस मूवी की डबिंग के लिए तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बात की थी।
मूवी में जिस कैरेक्टर को मेन विलन माना गया यानी कि अक्षय कुमार को, जो कि पक्षी राजा के किरदार को निभाते हैं, असल में वो मूवी के एक्चुअल विलन नहीं है। असल में तो वो एक क्लोजेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि सख्त खिलाफ थे मोबाइल फोन कंपनीज के, जो कि लगातार रेडिएशन को इंक्रीज करती रहती है और उन रेडिएशन से सीधा इफेक्ट पड़ता है बर्ड को। और पक्षी राजा को बर्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार था और मोबाइल कंपनीज के हाई रेडिएशन के वो सख्त खिलाफ थे। यानी असल में रोबोट 2.2 मूवी के विलन माना जा रहा पक्षी राजा की डेप्थ स्टोरी में वो अपने आप में एक हीरो थे। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने। रजनीकांत की किस मूवी के रीमेक में नजर आए थे अक्षय? कितना समय लगता था अक्षय कुमार के मेकअप्स के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक मास्टरपीस मूवी फ्रेंचाइजी जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की शान है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी रोबोट। रोबोट 2.0 मूवी कॉलीवुड इंडस्ट्री का नया हीरा है जिसे तराशा था डायरेक्टर शंकर ने और उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से 3D में तैयार किया था। यानी किसी ब्लफ के सहारा लेकर उसे 2D से 3D कन्वर्ट नहीं किया गया। मूवी के VFX और विजुअल इफेक्ट्स के अलावा मूवी के मेन विलन अक्षय कुमार के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया गया था। अक्षय कुमार रोबोट 2.0 मूवी के मेन विलन थे और फिल्म मेकर्स ने उनके लुक्स पर बहुत काम किया गया था। विलेन पक्षी राजा जो कि पक्षियों के साथ हो रहा अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि नेटवर्क कंपनीज लगातार रेडिएशंस को इंक्रीज करती जा रही थी जिसका सीधा इफेक्ट बर्ड्स को ऊपर होता था, जिसके पक्षी राजा सख्त खिलाफ थे। अक्षय कैरेक्टर को एक बर्ड लाइक क्रिएचर के रूप में दिखाने के लिए उनको लुक्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन्हें परफेक्ट लुक देने के लिए मेकअप आर्टिस्ट की एक टीम हर रोज 3.5 घंटे अक्षय के मेकअप पर काम करती थी। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि पूरी फिल्म के दौरान उनके लिए ये सबसे मुश्किल प्रोसेस था कि हर रोज घंटों तक शांति से बैठकर 3 लोगों को खुद की बॉडी पर काम करते हुए देखना, ताकि प्रोस्थेटिक्स में कोई कमी ना रह जाए। रोबोट 2.0 मूवी में सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर किसी मूवी में काम किया था। दोनों एक्टर्स ने इनडायरेक्टली सेम मूवी जरूर की थी, जैसे कि 2005 में रजनीकांत ने चंद्रमुखी मूवी में जिस किरदार को निभाया था, उसी किरदार को अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में तैयार की गई चंद्रमुखी मूवी की रीमेक भूलभुलैया मूवी में निभाया था। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अन कहा और सुनाने का कुछ अन सुना। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। आज के स्क्रिप्ट के राइटर हैं अभिषेक मिकी। क्या वजह थी रोबोट 2.0 मूवी के इतना हाई बजट होने की? कौन था मूवी मेकर्स की फर्स्ट चॉइस विलेन रोल के लिए?
इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ आज हम बात करेंगे कॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में, जिसके अंडर अब तक दो मूवीज तैयार की गई हैं, रोबोट मूवी और उसका सेकंड पार्ट रोबोट 2.0। रोबोट 2.0 एक बहुत ही शानदार क्रिएशन थी डायरेक्टर शंकर द्वारा। मूवी के पहले पार्ट में डॉक्टर वसीगुरन का सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं के द्वारा बनाया गया उनका एडवांस्ड रोबोट चिट्टी था, लेकिन 2.0 मूवी को एक अलग विजन और पर्सपेक्टिव से तैयार किया गया। 2.0 के फिल्म मेकर्स ने पहले मूवी की ऑर्निथोलॉजिस्ट रोल, जो कि चिट्टी और वसीगरन दोनों का ही दुश्मन होने वाला था, इस रोल के लिए मेकर्स की सबसे पहली चॉइस थी हॉलीवुड स्टार अनलॉर्ड। मेकर्स ने ये रिवील किया था कि उन्होंने अनलॉर्ड को कास्ट करने का सोचा, इवन यहाँ तक कि अनलॉर्ड से उनकी बातें और डेट्स का डिस्कशन जारी था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके, जिसकी वजह से हॉलीवुड और इंडिया का ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोजेक्ट ही रहा। मूवी के मेन विलन पक्षी राजा के किरदार को आमिर खान के लिए भी रेफर किया गया और उन्हें इस रोल का ऑफर भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोल अक्षय कुमार की किस्मत में ही था और वो बन गए इस मूवी के मेन विलन और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया भी। रोबोट 2.0 मूवी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक मूवी है। रोबोट 2.0 का एक्चुअल बजट पूरा 570 करोड़ रुपए था, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जिसकी खास वजह थी मूवी में इस्तेमाल हुआ एक्सपेंसिव 3D एडिटिंग, क्योंकि मूवी की तरफ से सबसे बेहतरीन तरीके से फाइनेस्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने के लिए ऑडियंस को वो भी बिग स्क्रीन पर फिल्म मेकर्स थोड़ा भी नहीं कतराए और मूवी के बजट के 500 करोड़ क्रॉस होने के बावजूद मूवी को कंप्लीट तैयार किया। उन्होंने हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं अपनी दी अपने पॉकेट्स खाली करने के लिए। मूवी का बजट पहले ही 500 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा बेहतरीन रही, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहा। रोबोट 2.0 के हिस्से में 800 करोड़ रुपीस के कलेक्शन आई, जो कि काबिले तारीफ है। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट के राइटर हैं अभिषेक। आखिर क्यों थी रोबोट 2.0 एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट? कितना काम किया गया था रोबोट 2.0 मूवी से VFX के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई कॉलीवुड इंडस्ट्री का मास्टरपीस फ्रेंचाइजी रोबोट फ्रेंचाइजी। इंडिया में रोबोट मूवी सीरीज के काफी ज्यादा क्रेज है और इस फ्रेंचाइजी के अंडर अब तक दो मूवीज तैयार हो चुकी। डायरेक्टर शंकर के गहरे इंटरेस्ट है रोबोट 3.0 मूवी तैयार करने के। शंकर ने रोबोट 2.0 मूवी को एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करवाया था। मूवी 500 करोड़ का बजट में तैयार की गई थी, एक बेहद शानदार क्रिएशन रही थी। मूवी के में जो मेन विलन थे अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी रोबोट 2.0 मूवी को असल में 3D में ही शूट किया गया था, ना कि मूवी को 2D में फॉर्मेट में बनाकर फिर 3D में कन्वर्ट किया गया। और ऐसा करने की असली वजह थी फिल्म के 3D इफेक्ट्स और बेहतरीन ढंग से दिखाना, क्योंकि रोबोट 3.0 मूवी का कोर फैक्टर था मूवी के 3D इफेक्ट्स। मूवी के रिएक्शन सीन्स पूरी तरह से एनिमेटेड थे, जो कि इस मूवी के कोर स्ट्रेंथ थी। मूवी मेकर्स और मूवी के एक्टर्स का कहना था कि ये मूवी का एक्सपीरियंस बाकी मूवी से बिल्कुल ही ज्यादा अलग है, और कहीं ना कहीं रोबोट 2.0 मूवी हम लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी बहुत ही ज्यादा नया एक्सपीरियंस था। मूवी के 3D इफेक्ट्स के अलावा मूवी का स्पेशल हार्ट था मूवी के विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि VFX। रोबोट 2.0 का पूरा तैयार करने में लग गए 900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। रोबोट 2.0 मूवी को पूरा तैयार करने में और उसके विजुअल इफेक्ट्स को सभी शॉट्स को तैयार करने के लिए मूवी के लिए लगभग 15 VFX कंपनीज ने मिलकर काम किया। एक VFX सीन को तैयार करने में काफी समय लगता है, और जिस वजह से रोबोट 2.0 मूवी को बनाने के लिए इतना ज्यादा कंपनीज ने एक साथ काम किया, तो वो इस मूवी के उस मुकाम पर पहुंचा सके जहां पर आज ये मूवी खड़ी है, और इसी वजह से रोबोट 2.0 मूवी सभी के नजरों में एक बेहतरीन मूवी साबित हुई। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कंसेप्ट रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तो खत्म करते हैं आज का ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। धन्यवाद, मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने।
रोबोट 3.0 में क्या दिखेंगे 2.0 वाले लाल माइक्रो रोबोट्स? क्या कैटरीना कैफ बनेंगी लेडी रोबोट? क्या रोबोट 3.0 में नहीं दिखेंगे रजनीकांत? हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। निर्देशक शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट रोबोट 2.0 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई। 2010 में आई फिल्म जो हमारे रोबोट के सीक्वल थी। शंकर जो हमारे अपनी फिल्म साइकंस जो है फिल्म E3 लेकर आए थे, उन्होंने खूब भी पता नहीं था कि उनकी यह फिल्म इतनी हिट हो जाएगी जो बॉलीवुड में इस फिल्म का रोबोट के नाम से दिखाई जाएगी। इस फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मेन लीड रोल में थे। रजनीकांत ने इस फिल्म में रोबोट चिट्टी का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आगे चलकर सुपर डुपर हिट हो गई। आपको बता दें कि इसके दूसरे सीक्वल रोबोट 2.0 ने 700 करोड़ ग्रॉस कमाई की थी, जो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। फिल्म 2.0 में रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन मेन लीड में थी। रोबोट 2.0 को जो हमारे लाइका प्रोडक्शन के प्रोड्यूस किया था, जो लगभग 600 करोड़ रुपए के शानदार बजट पर बनाई गई थी। फिल्म में सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, कला भवन सोजन और रियाज खान सपोर्टिंग रोल में थी। रोबोट 2.0 के टेक्निकल क्रू जो हमें संगीतकार AR रहमान, सिनेमाटोग्राफर निराव शाह और एडिटर एंथनी शामिल थे। रोबोट 2.0 का ट्रेलर लॉन्च के समय निर्देशक शंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा, 3.0 का फ्यूचर भी आ सकता है। मेरे पास 2.0 के सीक्वल के लिए कुछ नए आइडियाज हैं। अगर मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाता हूं तो निश्चित रूप से 3.0 हो सकता है। आपको बता दें, सुपरस्टार रजनीकांत ने सीक्वल में 2010 में आई फिल्म रोबोट के डॉक्टर वसीगरन और चिट्टी के रूप में अपने रोल को दोहराया था। बॉलीवुड के अक्षय कुमार ने एक पक्षी विज्ञान डॉक्टर पक्षी राज की भूमिका निभाते हुए इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म में विलन बन गए नजर आए थे और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने एक फिल्म का ध्यान अपनी ओर ले लिया। फिल्म का लुक कुछ ऐसा ही था जो भी का ध्यान अपनी ओर एक्ट्रेस कर रहा था और जो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन पूरा लुक एक कौवे की तरह था, जिसका बड़ी बड़ी बहुत से विद बाल और लाल आंख और साथ ही उन्होंने कौवे के पंखों वाले शैतान जैकेट पहन रखी थी। इस लुक में अक्षय कुमार बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त लग रहे थे। एमी जैक्सन की इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे। एमी जैक्सन फिल्म में रोबोट के रोल में थी। आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे हाफ में वसीगरन के आदेश पर बर्डमैन से लगने के लिए चिट्टी के 2.0 वर्जन को रीबूट करता है। आप फिल्म इस फिल्म में चट्टी का 3.0 वर्जन भी देख सकते हैं और ये छोटे थलाइव माइक्रो रोबोट्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे रजनीकांत को सभी स्वैगर और इस छोटी लाल रोबोट में पैक कर दिया है। 3.0 वर्जन रोबोट्स फिल्म के कबूतर की सवारी करता है और बैडमैन को इशारे से कहता है कि माइक्रो रोबोट्स पक्षियों को मारने जा रहे हैं। शंकर ने फिल्म में यह दिखाकर 3.0 की शुरुआत की थी, जिसके बाद दर्शकों को लगा कि इसका एक और सीक्वल आ सकता है। रोबोट 2.0 फिल्म में 3.0 का सरप्राइज भी है और साथ ही फिल्म के सीक्वल की पूरी गुंजाइश भी छोड़ी गई। 2.0 फिल्म में सोशल मैसेज देते हुए अक्षय ने फोन के जो रेडिएशन से मरने वाले पक्षियों को बचाने के लिए एक डेविल का अवतार लेते हैं, पर बाद में रोबोट चिट्टी के हाथों मारे जाते हैं। पूरी फिल्म में उनका यह अनेखा मैसेज सभी को बेहद पसंद आया, जिसके चलते ही यह फिल्म पिछले साल की फिल्म सुपरहिट हो गई। शंकर ने पूरी फिल्म में कहीं भी अपने पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। इसके बाद दर्शक तीसरे पार्ट को लेकर भी सभी से इंतजार करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है? रोबोट 3.0 का सीक्वल अब रोबोट 3.0 आने वाला है और जल्द ही यह फिल्म सिनेमाघरों में लगती हुई नजर आएगी। फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया और इस बार की कहानी से पिछली बार चिट्टी के साथ दिखाई दे रही किटी रोबोट पर हुई फिल्म बनाई जा सकती है, जिसमें चिट्टी रोबोट को फीमेल गर्लफ्रेंड को आगे चलकर बुरी बन जाती है और पूरी दुनिया को अपने बस में करना चाहती है। फिर बाद में उसे रोकने और दुनिया को बचाने के लिए चिट्टी रोबोट को भेजा जाएगा, जो खुद ही उसके साथ मिल जाएगा। इस फिल्म देखने वाली बात यह होगी कि चिट्टी रोबोट अपने दोस्तों का साथ देता है या पूरी दुनिया को बचाता है। खैर, इसके बारे में तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है कि फिल्म की कहानी आगे चलकर चेंज हो जाए। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो निर्देशक शंकर इस फिल्म को रजनीकांत के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म में रजनीकांत होंगे ये तो पक्का है, पर इस बार इस फिल्म में हीरोइन के रूप में कैटरीना कैफ का नाम सामने आया है। साथ ही टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ ने पिछले भी सुपर हीरो फिल्म इंडस्ट्री फ्लाइंग जट में काम किया था। हालांकि कैटरीना कैफ के लिए एक नई इंस्पिरेशन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्रास स्टूडियोज। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है साहिल राज ने। आखिर शंकर के डायरेक्शन में पहली फिल्म कौन सी थी?
अनियन के हिंदी वर्जन में नजर आएंगे कौन से बॉलीवुड स्टार। एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म कौन सी थी। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। दोस्तों आपको बता दूं कि शनमुगन शंकर एक बहुत अच्छे निर्देशक और लेखक है जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है। फिल्म में आने से पहले शंकर एक क्वालिटी कंट्रोलर सुपरवाइजर थे। एक इंटरव्यू में शंकर ने कहा कि जब वो अपना फोन उठाते हैं तो वो हमेशा खुद को शंकर द डायरेक्टर कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। रजनीकांत और कमल हसन जैसे तमिल सिनेमा के दिग्गजों के साथ काम करने के बाद शंकर ने खुद को लेजेंड का दर्जा दिया है। चलिए आज बात करते हैं इनकी 11 बेस्ट फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों पहली फिल्म है जेंटलमैन। शंकर के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी और इसे पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। उस समय में हाई बजट में बनी फिल्म को इसके प्लॉट और थीम के लिए काफी सराहना मिली थी। फिल्म में A.R. रहमान ने म्यूजिक दिया था। अर्जुन सर्ज और मधु की मेन लीड में बनी इस फिल्म ने कई राज्य पुरस्कार और फिल्म फेयर मिले थे। अब बात करते हैं उनकी दूसरी हिट फिल्म कदालन के बारे में जिसमें प्रभुदेवा और नगमा मेन रोल में थे जिसे भी कई प्रशंसा मिली थी। अब दोस्तों बता दूं कि गानों में CGI के उपयोग के लिए फिल्म को सराहा गया था। भारतीय सिनेमा में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले शंकर ही थे और उनके साहसी कदम के लिए सराहा गया था उनको। फिल्म संगीत A.R. रहमान ने ही दिया था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। तीसरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अनियन भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी के सामने आने वाली समस्याओं के लिए एक नई धारणा लेकर आई है जो उसके चारों ओर घूमती है। फिल्म में विक्रम ने कानून के पालन करने वाले वकील के रूप में एक्ट किया जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। स्टार कास्ट में साधा, विवेक, प्रकाश राज, नेतुबुद्धि वेणु और नासिर शामिल थे। फिल्म में म्यूजिक हरीश जयराज ने दी थी। शंकर के इस फिल्म को एक शानदार प्रतिक्रिया मिली। अब शंकर इसका हिंदी वर्जन लेकर आ रहे हैं जिसमें रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। चौथी फिल्म अपने बड़े बजट के लिए जानी जाती है। शंकर की फिल्म एथिरन यानी कि रोबोट जिसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे। एथिरन में शंकर ने शानदार एनिमेशन और VFX का इस्तेमाल किया। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन मेन लीड में थे। शंकर की एथिरन फिल्म रिलीज के समय सबसे महंगी फिल्म थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। खासकर रजनीकांत के परफॉर्मेंस और ब्रिलियंट स्पेशल इफेक्ट के चलते इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। पांचवी फिल्म एथिरन की सीक्वल है जो कि है रोबोट 2.0 जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों VFX की बात तो पूछिए ही मत, बहुत ही शानदार VFX का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार थे। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। अगली फिल्म है शिवाजी द बॉस। ये एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म थी जिसने फिर से भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला जिसके चलते ईमानदार व्यक्ति को मुश्किल होती है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में श्रेया शरण और विवेक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर और विजय पुरस्कार भी मिले थे। सातवीं फिल्म मुधलवन है जिसमें अर्जुन सरजा, मनीषा कोइराला और रघुवरन लीड रोल में थे। बाद में इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया था जिसका नाम था नायक जिसमें अनिल कपूर और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 200 दिनों तक सिनेमाघरों में चली और कई राज्य पुरस्कार जीते। बात करते हैं फिल्म आई की। ये फिल्म विक्रम और एमी जैक्सन स्टारर है। दोस्तों बता दूं कि इंडस्ट्री में शंकर जैसे फिल्मकार होने पर कुछ भी कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिल्म की प्लॉट अच्छी तरह से लिखी गई थी और यहां तक कि मिलीजुली रिस्पांस के बाद आई बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों शंकर और विक्रम की साझेदारी ने हमेशा प्रशंसकों को स्क्रीन पर जादू दिखाया है। तो दोस्तों अगली फिल्म इंडियन है। इसमें भी फिल्म निर्माता भ्रष्टाचार नामक समस्या पर प्रकाश डालते हैं। फिल्म इंडियन में कमल हसन ने डबल रोल निभाया है और इस फिल्म में मनीषा कोइराला और मिला मतोनकर, सुकन्या और गुंडामणि भी नजर आए हैं। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और इसके प्लॉट के लिए इसे काफी सराहना मिली थी। फिल्म एक 70 साल के बूढ़े के इर्द गिर्द घूमती है। 70 वर्षीय कमल हसन देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से नाराज है और सभी भ्रष्ट अधिकारियों को मारना और राष्ट्र में स्वस्थता लाना उनका मकसद है। अगली फिल्म है बालशंकर द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में सिद्धार्थ जुनेलिया डिसूजा, भरत नकुल और साई श्रीनिवास थमन थे। फिल्म का प्लॉट यूथ के ऊपर था जिसमें वो अपने करियर प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमता है और फिल्म में एजुकेशन और करियर पर फोकस करने के बारे में बताया गया है जिसे अक्सर रोमांस के चक्कर में यूथ भूल जाता है। ट्रैक को स्टार A.R. रहमान ने डायरेक्ट किया था। आखिरी फिल्म नॉन बन ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म 3 Idiots का साउथ वर्जन था। नन बन भी बॉक्स ऑफिस पर दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म में विजय जी, श्रीकांत, इलियाना डिक्रूज, सत्यन और सत्यराज ने निभाया था। फिल्म का म्यूजिक स्कोर हरीश जयराज ने बनाया था। फिल्म को इसके प्लॉट के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों बता दूं कि शंकर की अब आने वाली फिल्म 3.0 का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है बन सकती
सकती है रोबोट 3.0। किसने किया रोबोट 2.0 के कास्ट के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन? रॉकी स्टार और अक्षय कुमार एक दूसरे को 2.0 से पहले कैसे जानते थे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, जल्द ही कहा जा रहा है कि रोबोट 2.0 के बाद 3.0 में काम किया जाएगा। आपको बता दें, रोबोट 2.0 में रॉकी स्टार ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। अब वो शंकर के अगले सीक्वल में भी यही काम कर रहे हैं। 2.0 के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रॉकी स्टार का कहना है कि वो नई साइंस फिक्शन फिल्म में भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जब वो 2.0 में काम कर रहे थे और जब वो डायरेक्टर से मिले तो उन्हें नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। रॉकी स्टार ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने बड़े पात्र होंगे। उन्होंने बस मुझे बताया कि एक फिल्म है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्या आप इसे करना चाहेंगे? और जब शंकर सर आपसे पूछेंगे कि आप इसे करना चाहेंगे तो कौन मना करेगा, क्योंकि वो इतने महान निर्देशक हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रजनीकांत सर फिल्म में हैं, इसीलिए मैंने एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहा। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर उन्होंने बताया कि जब वो सेट पर रजनी सर के साथ काम कर रहे थे तो वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। अक्षय और रॉकी स्टार ने 9 साल तक काम भी किया है। अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट अक्षय के साथ लंबे समय तक था, जो कि मोहरा था। आपको बता दें, रॉकी स्टार पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म क्रिश में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। बॉलीवुड में उनकी क्लाइंट लिस्ट में जॉन अब्राहम, विपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे शामिल हैं। रॉकी ने न केवल फिल्मों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए बल्कि इंडस्ट्री के अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने ब्राइडल काउचर करना शुरू किया और फिर क्लब वेयर और एसेसरीज फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। अब उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर फैशन और होम डेकोर लाने के उद्देश्य से बेंट चेयर के साथ कोलैबोरेशन किया है। उन्होंने बताया कि फैशन कुछ ऐसा नहीं है जो कपड़े तक सीमित है या जिस तरह से दिखता है। फैशन अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो फैशन के अनुभव को ऊँचा कर दे। आपको बता दें कि उन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के लिए अगर किसी बड़े कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात होती है तो उनका नाम ज़रूर शामिल होता है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से रोबोट 3.0 में भी वही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने वाले हैं। आपको कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। चिट्ठी का मैसेज बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों आग में ओवरहीट होने के बावजूद भी जब चिट्ठी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंथ्रन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी और चिट्ठी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में चिट्ठी के
ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लोज को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्ठी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्ठी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसकी मैसेज बार को जरूर चेक करें, आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था, चिट्ठी रॉबर्ट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्रीज तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रॉबर्ट मूवी में जब चिट्ठी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्ठी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्ठी उस लड़की को उठाता है उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि जब चिट्ठी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे उसी वक्त चिट्ठी की स्क्रीन पर ये मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही चिट्ठी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्ठी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्ठी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्ठी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्ठी रोबोट, तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। और बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल बॉलीग्रीस। कौन सी 13 फिल्में हैं जो हिट ही हुई लगातार? कौन है वो डायरेक्टर जिसने दी सिर्फ बॉलीवुड हिट? नन बन कौन सी हिंदी फिल्म का थी तमिल रीमेक? आज हम बात कर रहे हैं रोबोट नायक हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले शंकर की। एक बार शुरुआत करने के बाद शंकर लोकप्रियता और कमर्शियल रूप से ऊंचे उठते गए हैं। उनका साउथ में वैसा ही कल्ट है जैसा रजनीकांत का है। करीब 23 साल हो रहे हैं उन्हें काम करते हुए और इन वर्षों में 13 फिल्में का निर्देशन उन्होंने किया है, 9 फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी 13 में से 10 फिल्में हमने भी देखी हैं और उस समय होने वाले एक एक बच्चे को याद होगी। उनकी हर कहानी छोटे से आइडिया से आगे बढ़ती है और बहुत सारे अन्य गुणों से एक अच्छी कहानी का रूप पा लेती है। इनकी 10 फिल्मों में जो हिंदी में आई उनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए उनकी हिंदी में आई 10 फिल्मों पर नजर डालते हैं। पहली द जेंटलमैन 1993 की है जिसमें हीरो अर्जुन धनवानो को यहाँ चोरी करता है ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके। हमसे है मुकाबला 1994 की प्रभु नाम के युवक के बारे में है जिसमें राज्यपाल की बेटी से प्यार हो जाता है लेकिन वो साधारण परिवार से है, उसे अपना प्यार भी जीतना है और राज्य में होने वाली बड़ी आतंकी वारदात को भी रोकना है। हिंदुस्तानी 1996 एक 70 साल के बुजुर्ग सेनापति की कहानी है। वह घोर ईमानदार है और अपने राज्य में रिश्वतखोरों को एक एक करके मारना शुरू करता है। लाइव टीवी में भी वह आजाद हिंद फौज में रहा है और देश की आजादी के लिए लड़ा है। उसकी बेटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। अब उसका बेटा भी थोड़ी बहुत रिश्वत लेने लगा है तो वो अब उसे भी मारेगा। जीन्स 1998 में अमेरिका में बसा एक तमिल रेस्टोरेंट व्यापारी है जिसके 2 जुड़वा बेटे हैं और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक ही लड़की मधुमिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बाद में एक भाई रास्ते से हट जाता है तो पिता शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि पिता भी 2 जुड़वा भाई थे और शादी के बाद उनका भी घर बिखरा था। नायक 2001 में आई एक ईमानदार पत्रकार शिवाजी राव की कहानी जो राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेता है और एक एक सवाल में उसके घोटाले उजागर कर देता है। फंसा मुख्यमंत्री उसे चैलेंज करता है कि कहना बड़ा आसान है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर देखे फिर पता चलेगा और शिवाजी इस शर्त को मानकर एक दिन का सीएम बनता है। ये तो हम सबने देखी है जो अनिल कपूर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इसके बाद अपरिचित 2006 अंबी की कहानी है जो उपभोक्ता हितों का वकील है, बेहद आदर्शवादी है, चाहता है कि सब कानून का पालन करे लेकिन अपने आसपास भ्रष्टाचार को देखकर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वह भ्रष्टाचारियों की सूची बनाता है और हिंदू धर्म की पुस्तक गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीकों से मारना शुरू कर देता है। सातवीं हिंदी फिल्म है शिवाजी।
इसी नाम वाले नायक की कहानी है, जो अमेरिका से अपने राज्य लौटा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई व इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता है, लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसे ऐसा करने नहीं दे रहा और अब शिवाजी उसे अपने तरीके से सुलझाता है। अब बारी है रोबोट 2010 की, जो एक वैज्ञानिक अपनी ही शक्ल वाला एंड्रॉयड रोबोट बनाता है, लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशन और समझने की शक्ति विकसित कर लेता है और इस वैज्ञानिक की प्रेमिका के प्रेम में पड़ जाता है। बाद में वो ही इंसानों के विनाश पर उतर आता है। फिर आई फिल्म आई 2015 में, एक बॉडी बिल्डर लिंगसन की कहानी, जो एक टॉप मॉडल बनता है लेकिन फिर उसका शरीर विकृत होने लगता है और वो कुबड़ा हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका और लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि उसके दुश्मनों ने धोखे से उसे इंजेक्शन लगाकर इस तरह से कर दिया है, तो वो एक एक करके सबको सजा देना शुरू कर देता है। दसवीं फिल्म रोबोट 2.0 है। 2018 में बनी ये फिल्म रोबोट की आगे की कहानी है। इसमें वैज्ञानिक और उसका रोबो है और इस बार उनका सामना दोस्त डॉक्टर रिचर्ड से होता है। शंकर के निर्देशन में सिर्फ बॉयज ही ऐसी तमिल फिल्म रही है जो हिंदी में नहीं लगी। एक अन्य फिल्म नन बन थी, जो थ्री इडियट्स की तमिल रीमेक थी, और अब शंकर के निर्देशन में ही रोबोट 3.0 आने वाली है, जिसमें पहले से ज्यादा तकनीकों का प्रयोग होने वाला है। अब की बार रोबोट पहले की सभी रोबोट से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब वो इंसानों को मारता है या फिर जानवर को इंसान बनाता है, ये तो रोबोट 3.0 को देखने से ही पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड देखें तो शंकर की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। किसी ने भी प्रोड्यूसर निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के बॉलीवुड समेत सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं रोबोट 3.0 भी इसी सूची में शामिल होगी। आखिर क्यों थी रोबोट 2.0 एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट? कितना काम किया गया था रोबोट 2.0 मूवी से VFX के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई कॉलीवुड इंडस्ट्री का मास्टरपीस फ्रेंचाइजी रोबोट फ्रेंचाइजी। इंडिया में रोबोट मूवी सीरीज के काफी ज्यादा क्रेज है और इस फ्रेंचाइजी के अंडर अब तक 2 मूवीज तैयार हो चुकी हैं। डायरेक्टर शंकर के गहरे इंटरेस्ट है रोबोट 3.0 मूवी तैयार करने के। शंकर ने रोबोट 2.0 मूवी को एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करवाया था। मूवी 500 करोड़ का बजट में तैयार की गई थी, एक बेहद शानदार क्रिएशन रही थी। मूवी के में जो मेन विलन थे अक्षय कुमार, ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी रोबोट 2.0 मूवी को असल में 3D में ही शूट किया गया था, ना कि मूवी को 2D में फॉर्मेट में बनाकर फिर 3D में कन्वर्ट किया गया। और ऐसा करने की असली वजह थी फिल्म के 3D इफेक्ट्स और बेहतरीन ढंग से दिखाना, क्योंकि रोबोट 3.0 मूवी का कोर फैक्टर था मूवी के 3D इफेक्ट्स। मूवी के रिएक्शन सीन्स पूरी तरह से एनिमेटेड थे, जो कि इस मूवी के कोर स्ट्रेंथ थी। मूवी मेकर्स और मूवी के एक्टर्स का कहना था कि ये मूवी का एक्सपीरियंस बाकी मूवी से बिल्कुल ही ज्यादा अलग है, और कहीं ना कहीं रोबोट 2.0 मूवी हम लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी बहुत ही ज्यादा नया एक्सपीरियंस था। मूवी के 3D इफेक्ट्स के अलावा मूवी का स्पेशल हार्ट था मूवी के विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि VFX। रोबोट 2.0 का पूरा तैयार करने में लग गए 900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। रोबोट 2.0 मूवी को पूरा तैयार करने में और उसके विजुअल इफेक्ट्स को सभी शॉट्स को तैयार करने के लिए मूवी के लिए लगभग 15 VFX कंपनीज ने मिलकर काम किया। एक VFX सीन को तैयार करने में काफी समय लगता है, और जिस वजह से रोबोट 2.0 मूवी को बनाने के लिए इतना ज्यादा कंपनीज ने एक साथ काम किया, तो वो इस मूवी के उस मुकाम पर पहुंचा सके जहां पर आज ये मूवी खड़ी है। और इसी वजह से रोबोट 2.0 मूवी सभी के नजरों में एक बेहतरीन मूवी साबित हुई। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कंसेप्ट रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तो खत्म करते हैं आज का ये सिलसिला, कहने का कुछ अंक कहा, सुनने का कुछ अंक सुना। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने। रोबोट 3.0 में क्या दिखेंगे 2.0 वाले लाल माइक्रो रोबोट्स? क्या कैटरीना कैफ बनेंगी लेडी रोबोट? क्या रोबोट 3.0 में नहीं दिखेंगे रजनीकांत?
हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। निर्देशक शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट रोबोट 2.0 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई। 2010 में आई फिल्म जो हमारे रोबोट के सीक्वल थी। शंकर जो हमारे अपनी फिल्म साइकंस जो है फिल्म E3 लेकर आए थे, उन्होंने खूब ही पता नहीं था कि उनकी यह फिल्म इतनी हिट हो जाएगी जो बॉलीवुड में इस फिल्म का रोबोट के नाम से दिखाई जाएगी। इस फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मेन लीड रोल में थे। रजनीकांत ने इस फिल्म में रोबोट चिट्टी का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आगे चलकर सुपर डुपर हिट हो गई। आपको बता दें कि इसके दूसरे सीक्वल रोबोट 2.0 ने 700 करोड़ ग्रॉस कमाई की थी, जो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। फिल्म 2.0 में रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन मेन लीड में थी। रोबोट 2.0 को जो हमारे लाइका प्रोडक्शन के प्रोड्यूस किया था, जो लगभग 600 करोड़ रुपए के शानदार बजट पर बनाई गई थी। फिल्म में सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, कला भवन सोजन और रियाज खान सपोर्टिंग रोल में थी। रोबोट 2.0 के टेक्निकल क्रू जो हमें संगीतकार AR रहमान, सिनेमाटोग्राफर निराब शाह और एडिटर एंथनी शामिल थे। रोबोट 2.0 का ट्रेलर लॉन्च के समय निर्देशक शंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा, 3.0 का फ्यूचर भी आ सकता है। मेरे पास 2.0 के सीक्वल के लिए कुछ नए आइडियाज हैं। अगर मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाता हूं तो निश्चित रूप से 3.0 हो सकता है। आपको बता दें, सुपरस्टार रजनीकांत ने सीक्वल में 2010 में आई फिल्म रोबोट के डॉक्टर वसीगरन और चिट्टी के रूप में अपने रोल को दोहराया था। बॉलीवुड के अक्षय कुमार ने एक पक्षी विज्ञान डॉक्टर पक्षीराज की भूमिका निभाते हुए इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म में विलन बन गए नजर आए थे और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने एक फिल्म का ध्यान अपनी ओर ले लिया। फिल्म का लुक कुछ ऐसा ही था जो भी का ध्यान अपनी ओर एक्ट्रेस कर रहा था और जो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन पूरा लुक एक कौवे की तरह था जिसका बड़ी बड़ी बहुत सेवत बाल और लाल आंख और साथ ही उन्होंने कौवे के पंखों वाले शैतान जैकेट पहन रखी थी। इस लुक में अक्षय कुमार बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त लग रहे थे। एमी जैक्सन की इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे। एमी जैक्सन फिल्म में रोबोट के रोल में थी। आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे हाफ में वसीगरन के आदेश पर बर्डमैन से लगने के लिए चिट्टी के 2.0 वर्जन को रीबूट करता है। आप फिल्म इस फिल्म में चट्टी का 3.0 वर्जन भी देख सकते हैं और ये छोटे थलाइवा माइक्रो रोबोट्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे रजनीकांत को सभी स्वैगर और इस छोटी लाल रोबोट में पैक कर दिया है। 3.0 वर्जन रोबोट्स फिल्म के कबूतर की सवारी करता है और बैडमैन को इशारे से कहता है कि माइक्रो रोबोट्स पक्षियों को मारने जा रहे हैं। शंकर ने फिल्म में यह दिखाकर 3.0 की शुरुआत की थी, जिसके बाद दर्शकों को लगा कि इसका एक और सीक्वल आ सकता है। रोबोट 2.0 फिल्म में 3.0 का सरप्राइज भी है और साथ ही फिल्म के सीक्वल की पूरी गुंजाइश भी छोड़ी गई। 2.0 फिल्म में सोशल मैसेज देते हुए अक्षय ने फोन के जो रेडिएशन से मरने वाले पक्षियों को बचाने के लिए एक डेविल का अवतार लेते हैं, पर बाद में रोबोट चिट्टी के हाथों मारे जाते हैं। पूरी फिल्म में उनका यह अनेखा मैसेज सभी को बेहद पसंद आया, जिसके चलते ही यह फिल्म पिछले साल की फिल्म सुपरहिट हो गई। शंकर ने पूरी फिल्म में कहीं भी अपने पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। इसके बाद दर्शक तीसरे पार्ट को लेकर भी सब्री से इंतजार करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है? रोबोट 3.0 का सीक्वल अब रोबोट 3.0 आने वाला है और जल्द ही यह फिल्म सिनेमाघरों में लगती हुई नजर आएगी। फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया और इस बार की कहानी से पिछली बार चिट्टी के साथ दिखाई दे रही किटी रोबोट पर हुई फिल्म बनाई जा सकती है, जिसमें चिट्टी रोबोट को फीमेल गर्लफ्रेंड को आगे चलकर बुरी बन जाती है और पूरी दुनिया को अपने बस में करना चाहती है। फिर बाद में उसे रोकने और दुनिया को बचाने के लिए चिट्टी रोबोट को भेजा जाएगा, जो खुद ही उसके साथ मिल जाएगा। इस फिल्म देखने वाली बात यह होगी कि चिट्टी रोबोट अपने दोस्तों का साथ देता है या पूरी दुनिया को बचाता है। खैर, इसके बारे में तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है कि फिल्म की कहानी आगे चलकर चेंज हो जाए। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो निर्देशक शंकर इस फिल्म को रजनीकांत के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म में रजनीकांत होंगे ये तो पक्का है, पर इस बार इस फिल्म में हीरोइन के रूप में कैटरीना कैफ का नाम सामने आया है। साथ ही टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ ने पिछले भी सुपर हीरो फिल्म इंडस्ट्री फ्लाइंग जट में काम किया था। हालांकि कैटरीना कैफ के लिए एक नई इंस्पिरेशन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्रास स्टूडियोज। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है साहिल राज ने। आखिर शंकर के डायरेक्शन में पहली फिल्म कौन सी थी?
अनियन के हिंदी वर्जन में नजर आएंगे कौन से बॉलीवुड स्टार, एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म कौन सी थी। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं मनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। दोस्तों आपको बता दूं कि शनमुगन शंकर एक बहुत अच्छे निर्देशक और लेखक है जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है। फिल्म में आने से पहले शंकर एक क्वालिटी कंट्रोलर सुपरवाइजर थे। एक इंटरव्यू में शंकर ने कहा कि जब वो अपना फोन उठाते हैं तो वो हमेशा खुद को शंकर द डायरेक्टर कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। रजनीकांत और कमल हसन जैसे तमिल सिनेमा के दिग्गजों के साथ काम करने के बाद शंकर ने खुद को लेजेंड का दर्जा दिया है। चलिए आज बात करते हैं इनकी 11 बेस्ट फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों पहली फिल्म है जेंटलमैन। शंकर के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी और इसे पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। उस समय में हाई बजट में बनी फिल्म को इसके प्लॉट और थीम के लिए काफी सराहना मिली थी। फिल्म में A.R. रहमान ने म्यूजिक दिया था। अर्जुन सर्ज और मधु की मेन लीड में बनी इस फिल्म ने कई राज्य पुरस्कार और फिल्म फेयर मिले थे। अब बात करते हैं उनकी दूसरी हिट फिल्म कदालन के बारे में जिसमें प्रभुदेवा और नगमा मेन रोल में थे जिसे भी कई प्रशंसा मिली थी। अब दोस्तों बता दूं कि गानों में CGI के उपयोग के लिए फिल्म को सराहा गया था। भारतीय सिनेमा में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले शंकर ही थे और उनके साहसिक कदम के लिए सराहा गया था उनको। फिल्म संगीत A.R. रहमान ने ही दिया था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। तीसरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अनियन भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी के सामने आने वाली समस्याओं के लिए एक नई धारणा लेकर आई है जो उसके चारों ओर घूमती है। फिल्म में विक्रम ने कानून के पालन करने वाले वकील के रूप में एक्ट किया जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। स्टार कास्ट में साधा, विवेक, प्रकाश राज, नेतुबुद्धि वेणु और नासिर शामिल थे। फिल्म में म्यूजिक हरीश जयराज ने दी थी। शंकर के इस फिल्म को एक शानदार प्रतिक्रिया मिली। अब शंकर इसका हिंदी वर्जन लेकर आ रहे हैं जिसमें रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। चौथी फिल्म अपने बड़े बजट के लिए जानी जाती है। शंकर की फिल्म एथिरन यानी कि रोबोट जिसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे। एथिरन में शंकर ने शानदार एनिमेशन और VFX का इस्तेमाल किया। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन मेन लीड में थे। शंकर की एथिरन फिल्म रिलीज के समय सबसे महंगी फिल्म थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। खासकर रजनीकांत के परफॉर्मेंस और ब्रिलियंट स्पेशल इफेक्ट के चलते इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। पांचवी फिल्म एथिरन की सीक्वल है जो कि है रोबोट 2.0 जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों VFX की बात तो पूछिए ही मत, बहुत ही शानदार VFX का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार थे। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। अगली फिल्म है शिवाजी द बॉस। ये एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म थी जिसने फिर से भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला जिसके चलते ईमानदार व्यक्ति को मुश्किल होती है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में श्रेया शरण और विवेक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर और विजय पुरस्कार भी मिले थे। सातवीं फिल्म मुधलवर है जिसमें अर्जुन सरजा, मनीषा कोइराला और रघुवरन लीड रोल में थे। बाद में इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया था जिसका नाम था नायक जिसमें अनिल कपूर और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 200 दिनों तक सिनेमा घरों में चली और कई राज्य पुरस्कार जीते। अब बात करते हैं फिल्म आई की। ये फिल्म विक्रम और एमी जैक्सन स्टारर है। दोस्तों बता दूं कि इंडस्ट्री में शंकर जैसे फिल्मकार होने पर कुछ भी कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिल्म की प्लॉट अच्छी तरह से लिखी गई थी और यहां तक कि मिली जुली रिस्पॉन्स के बाद आई बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों शंकर और विक्रम की साझेदारी ने हमेशा प्रशंसकों को स्क्रीन पर जादू दिखाया है। तो दोस्तों अगली फिल्म इंडियन है। इसमें भी फिल्म निर्माता भ्रष्टाचार नामक समस्या पर प्रकाश डालते हैं। फिल्म इंडियन में कमल हसन ने डबल रोल निभाया है और इस फिल्म में मनीषा कोइराला और मिला मतोंडकर, सुकन्या और गुंडामणि भी नजर आए हैं। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और इसके प्लॉट के लिए इसे काफी सराहना मिली थी। फिल्म एक 70 साल के बूढ़े के इर्द गिर्द घूमती है। 70 वर्षीय कमल हसन देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से नाराज है और सभी भ्रष्ट अधिकारियों को मारना और राष्ट्र में स्वस्थता लाना उनका मकसद है। अगली फिल्म है बालशंकर द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में सिद्धार्थ जुनेलिया डिसूजा, भरत नकुल और साई श्रीनिवास थमन थे। फिल्म का प्लॉट यूथ के ऊपर था जिसमें वो अपने करियर प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमता है और फिल्म में एजुकेशन और करियर पर फोकस करने के बारे में बताया गया है जिसे अक्सर रोमांस के चक्कर में यूथ भूल जाता है। ट्रैक को स्टार A.R. रहमान ने डायरेक्ट किया था। आखिरी फिल्म नॉन बन ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म 3 Idiots का साउथ वर्जन था। नन बन भी बॉक्स ऑफिस पर दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म में विजय जी, श्रीकांत, इलियाना डिक्रूज, सत्यन और सत्यराज ने निभाया था। फिल्म का म्यूजिक स्कोर हरीश जयराज ने बनाया था। फिल्म को इसके प्लॉट के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों बता दूं कि शंकर की अब आने वाली फिल्म 3.0 का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है बन सकते
सकती है रोबो 3.0। किसने किया रोबो 2.0 के कास्ट के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन? रॉकी स्टार और अक्षय कुमार एक दूसरे को 2.0 से पहले कैसे जानते थे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, जल्द ही कहा जा रहा है कि रोबोट 2.0 के बाद 3.0 में काम किया जाएगा। आपको बता दें, रोबोट 2.0 में रॉकी स्टार ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। अब वो शंकर के अगले सीक्वल में भी यही काम कर रहे हैं। 2.0 के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रॉकी स्टार का कहना है कि वो नई साइंस फिक्शन फिल्म में भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जब वो 2.0 में काम कर रहे थे और जब वो डायरेक्टर से मिले तो उन्हें नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। रॉकी स्टार ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने बड़े पात्र होंगे। उन्होंने बस मुझे बताया कि एक फिल्म है जिसे मैं कर रहा हूँ, क्या आप इसे करना चाहेंगे? और जब शंकर सर आपसे पूछेंगे कि आप इसे करना चाहेंगे तो कौन मना करेगा, क्योंकि वो इतने महान निर्देशक हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रजनीकांत सर फिल्म में हैं, इसीलिए मैंने एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहा। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर उन्होंने बताया कि जब वो सेट पर रजनी सर के साथ काम कर रहे थे तो वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। अक्षय और रॉकी स्टार ने 9 साल तक काम भी किया है। अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट अक्षय के साथ लंबे समय तक था, जो कि मोहरा था। आपको बता दें, रॉकी स्टार पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म क्रिश में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। बॉलीवुड में उनकी क्लाइंट लिस्ट में जॉन अब्राहम, विपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे शामिल हैं। रॉकी ने न केवल फिल्मों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए बल्कि इंडस्ट्री के अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने ब्राइडल काउचर करना शुरू किया और फिर क्लब वेयर और एसेसरीज फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। अब उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर फैशन और होम डेकोर लाने के उद्देश्य से बेंट चेयर के साथ कोलैबोरेशन किया है। उन्होंने बताया कि फैशन कुछ ऐसा नहीं है जो कपड़े तक सीमित है या जिस तरह से दिखता है। फैशन अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो फैशन के अनुभव को ऊँचा कर दे। आपको बता दें कि उन्हें डिजाइन के लिए जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के लिए अगर किसी बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात होती है तो उनका नाम जरूर शामिल होता है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से रोबोट 3.0 में भी वही कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाले हैं। आपको कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। का मैसेज बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों आग में ओवरहीट होने के बावजूद भी जब चिट्टी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंथ्रन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी और चिट्टी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में
मिट्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लोर्स को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्ठी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्ठी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसकी मैसेज बार को जरूर चेक करें, आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था, चिट्ठी रॉबर्ट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्री तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रॉबर्ट मूवी में जब चिट्ठी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्ठी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्ठी उस लड़की को उठाता है उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि जब चिट्ठी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे उसी वक्त चिट्ठी की स्क्रीन पर ये मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही चिट्ठी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्ठी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्ठी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्ठी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्ठी रोबोट, तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। और बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल बॉलीग्रीस। कौन सी 13 फिल्में हैं जो हिट ही हुई लगातार? कौन है वो डायरेक्टर जिसने दी सिर्फ बॉलीवुड हिट? नन बन कौन सी हिंदी फिल्म का थी तमिल रीमेक? आज हम बात कर रहे हैं रोबोट नायक हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले शंकर की। एक बार शुरुआत करने के बाद शंकर लोकप्रियता और कमर्शियल रूप से ऊंचे उठते गए हैं। उनका साउथ में वैसा ही कल्ट है जैसा रजनीकांत का है। करीब 23 साल हो रहे हैं उन्हें काम करते हुए और इन वर्षों में 13 फिल्में का निर्देशन उन्होंने किया है, हैज 9 फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी 13 में से 10 फिल्में हमने भी देखी हैं और उस समय होने वाले एक एक बच्चे को याद होगी। उनकी हर कहानी छोटे से आइडिया से आगे बढ़ती है और बहुत सारे अन्य गुणों से एक अच्छी कहानी का रूप पा लेती है। इनकी 10 फिल्मों में जो हिंदी में आई उनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए उनकी हिंदी में आई 10 फिल्मों पर नजर डालते हैं। पहली द जेंटलमैन 1993 की है जिसमें हीरो अर्जुन धनवानों के यहाँ चोरी करता है ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके। हमसे है मुकाबला 1994 की प्रभु नाम के युवक के बारे में है जिसमें राज्यपाल की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो साधारण परिवार से है, उसे अपना प्यार भी जीतना है और राज्य में होने वाली बड़ी आतंकी वारदात को भी रोकना है। हिंदुस्तानी 1996 एक 70 साल के बुजुर्ग सेनापति की कहानी है। वह घोर ईमानदार है और अपने राज्य में रिश्वतखोरों को एक एक करके मारना शुरू करता है। लाइव टीवी में भी वह आजाद हिंद फौज में रहा है और देश की आजादी के लिए लड़ा है। उसकी बेटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। अब उसका बेटा भी थोड़ी बहुत रिश्वत लेने लगा है तो वो अब उसे भी मारेगा। जीम्स 1998 में अमेरिका में बसा एक तमिल रेस्टोरेंट व्यापारी है जिसके 2 जुड़वा बेटे हैं और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक ही लड़की मधुमिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बाद में एक भाई रास्ते से हट जाता है तो पिता शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि पिता भी 2 जुड़वा भाई थे और शादी के बाद उनका भी घर बिखरा था। नायक 2001 में आई एक ईमानदार पत्रकार शिवाजी राव की कहानी जो राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेता है और एक एक सवाल में उसके घोटाले उजागर कर देता है। फंसा मुख्यमंत्री उसे चैलेंज करता है कि कहना बड़ा आसान है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर देखे फिर पता चलेगा, और शिवाजी इस शर्त को मानकर एक दिन का सीएम बनता है। ये तो हम सबने देखी है जो अनिल कपूर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इसके बाद अपरिचित 2006 अंबी की कहानी है जो उपभोक्ता हितों का वकील है, बेहद आदर्शवादी है, चाहता है कि सब कानून का पालन करें, लेकिन अपने आसपास भ्रष्टाचार को देखकर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वह भ्रष्टाचारियों की सूची बनाता है और हिंदू धर्म की पुस्तक गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीकों से मारना शुरू कर देता है।
सातवीं हिंदी फिल्म है शिवाजी। इसी नाम वाले नायक की कहानी है जो अमेरिका से अपने राज लौटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई व इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता है, लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसे ऐसा करने नहीं दे रहा और अब शिवाजी उसे अपने तरीके से सुलझाता है। अब बारी है रोबोट 2010 की, जो एक वैज्ञानिक अपनी ही शक्ल वाला एंड्रॉयड रोबोट बनाता है, लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशन और समझने की शक्ति विकसित कर लेता है और इस वैज्ञानिक की प्रेमिका के प्रेम में पड़ जाता है। बाद में वो ही इंसानों के विनाश पर उतर आता है। फिर आई फिल्म आई 2015 में, एक बॉडी बिल्डर लिंगसन की कहानी जो एक टॉप मॉडल बनता है लेकिन फिर उसका शरीर विकृत होने लगता है और वो कुबड़ा हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका और लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि उसके दुश्मनों ने धोखे से उसे इंजेक्शन लगाकर इस तरह से कर दिया है, तो वो एक एक करके सबको सजा देना शुरू कर देता है। दसवें फिल्म रोबोट 2.0 है। 2018 में बनी ये फिल्म रोबोट की आगे की कहानी है। इसमें वैज्ञानिक और उसका रोबो है और इस बार उनका सामना दोस्त डॉक्टर रिचर्ड से होता है। शंकर के निर्देशन में सिर्फ बॉयज ही ऐसी तमिल फिल्म रही है जो हिंदी में नहीं लगी। एक अन्य फिल्म नन बन थी जो थ्री इडियट्स की तमिल रीमेक थी और अब शंकर के निर्देशन में ही रोबोट 3.0 आने वाली है, जिसमें पहले से ज्यादा तकनीकों का प्रयोग होने वाला है। अब की बार रोबोट पहले की सभी रोबोट से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब वो इंसानों को मारता है या फिर जानवर को इंसान बनाता है, ये तो रोबोट 3.0 को देखने से ही पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड देखें तो शंकर की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। किसी ने भी प्रोड्यूसर निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के बॉलीवुड समेत सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं रोबोट 3.0 भी इसी सूची में शामिल होगी। क्या कहना था हॉलीवुड डायरेक्टर ओलिवर का रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में? आखिर किस तरह चिटी ने बिना बुक खोले सारे बुक्स को याद कर लिया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंडिया की रोबोटिक जीनर की बेस्ट मूवी यानी कि रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। इस फ्रेंचाइजी में अब तक दो मूवीज तैयार की गई हैं, रोबोट और रोबोट 2.0। हॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और मशहूर डायरेक्टर ओलिवर स्टोन, जिन्होंने 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते हैं, उन्होंने रोबोट मूवी के बारे में अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि उनके हिसाब से रोबोट मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्म है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनलिटी है। यहाँ तक कि मूवी के साउंड एडिटर रसूल पुकुटी को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी रोबोट मूवी के लिए, क्योंकि उन्होंने चिट्टी के सीन्स के ऊपर बहुत ही बारीकी से और शानदार तरीके से साउंड एडिटिंग परफॉर्म की थी। चिट्टी के हर एक सीन में, जहां वो अपने हाथ चलाता है या फिर वॉक करता है और किसी भी तरीके की मूवमेंट करता है, तो वहां रसूल ने परफेक्ट मशीन साउंड्स को लगाया है। चिट्टी एक बहुत ही शानदार रोबोट है और वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है। डॉक्टर वसीगरन ने चिट्टी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो किसी भी तरीके का काम परफेक्टली कर सकता है। चिट्टी के अंदर अनगिनत फीचर्स हैं, जैसे कि हमने रोबोट मूवी में देखा था कि एक सीन में चिट्टी ने एक ब्लड ड्रॉप को देखते ही उसका ब्लड ग्रुप बता दिया था, क्योंकि चिट्टी के अंदर इनबिल्ट ब्लड स्कैनर भी मौजूद है, जिस वजह से ब्लड ग्रुप चेक करते वक्त हम देख सकते हैं कि चिट्टी के मैसेज में ये शो करता है कि चिट्टी इज स्कैनिंग DNA। रोबोट मूवी एक बहुत ही ज्यादा फनी सीन था, जिसमें ऐश्वर्या राय यानी कि सना अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रही होती है और बेहद परेशान होती हैं, क्योंकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही होती। उसी वक्त चिट्टी सना से सवाल पूछने के लिए उसकी सभी बुक्स को स्कैन करते हैं और उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। अब ऐसा करना तो किसी रोबोट के लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इस सीन के अंदर काफी फनी डिटेलिंग दी गई है, जैसे कि चिट्टी के पास इंटरनेट एक्सेस है। वो जैसे ही बुक को देखते हैं, वो इंटरनेट पे उस बुक का सारा डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें सब कुछ एग्जैक्टली याद हो जाता है बिना बुक खोले। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही शेयर करना मत भूलेगा अपने दोस्तों को।
क्यों शंकर मानते हैं कि रोबोट मूवी के 4.0 और 5.0 वर्जन भी तैयार किए जा सकते हैं, कितनी मेहनत की है हॉलीवुड टेक्नीशियंस ने चिट्ठी के ऊपर। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के फेमस मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में। डायरेक्टर शंकर ने बताया है कि वो रोबोट 3.0 की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। रोबोट फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी यानी कि रोबोट 2.0 के VFX आर्टिस्ट ने खुद ये बात स्वीकार की है कि उनके लिए भी ये मूवी रोबोट मूवी से भी 10 गुना ज्यादा चैलेंज मूवी थी। यहाँ तक कि मूवी के एडिटिंग के दौरान उन्हें 3D ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ा था। 2.0 मूवी के स्टैंडर्ड्स किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थे। मूवी को लियास विलेन अक्षय कुमार की एंटागनिस्ट रोल होने के बावजूद भी 2.0 मूवी में रजनीकांत ने खुद कहा कि अक्षय कुमार इस मूवी के असली हीरो हैं और ना कि वो। एक इंटरव्यू में शंकर ने बात करते हुए ये बात रिवील करी कि इस फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट जरूर बनेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मूवी फ्रेंचाइजी को आगे ले जाते हुए इसके ऊपर 3.0, 4.0, 5.0 भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि एक साइंस फिक्शन मूवी है एंड इस जेनर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि साइंस फिक्शन एक बहुत ही गहरी कहानी है और जिसमें अगर आप डुबकी लगाएं तो वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। रोबोट का ऑफिशियल एडिटर VFX सुपरवाइजर इंद्रियान ने मलाइथी रंजराजन के साथ एक इंटरव्यू में ये बात रिवील की थी कि कैरी हॉलीवुड के टेक्नीशियंस जो कि रजनीकांत के रोबोटिक लुक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने लगभग रजनी के 40 अलग अलग रोबोटिक्स वर्जन तैयार किए जिनको लगता है मल्टीप्लाई किया गया था, और वो रोबोट के उस स्पेशल सीन को तैयार कर सकते हैं जिसमें ढेर सारे चिट्टी रोबोट्स में से एक वसीकरण होता है। उस सीन को प्रॉपर अंदाज से शूट करने के लिए 40 वर्जन तैयार किए गए थे। सभी हॉलीवुड टेक्नीशियंस ने पूरी लगन से अपनी काम को किया और रिजल्ट भी हम देख चुके हैं। आपके इस मूवी के बारे में क्या कंसेप्ट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला। कहने का कुछ हन कहा, सुनने का कुछ हन सुना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बॉलीवुड का सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीगा सीरियल्स को। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक। क्या 3.0 रोबोट्स हमें रोबोट की अगली इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेंगे? कौन होगा 3.0 का दुश्मन मूवी रोबोट 3.0 में? स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में जो कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी पॉपुलर है एंड व्यूअर्स की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई मूवी रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। रोबोट 2.0 एक बहुत ही शानदार और ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी, और सभी फैंस की नजर है रोबोट 3.0 के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर शंकर ने भी मूवी के सीक्वल में अपनी रुचि दिखाई है मूवी मेकिंग में। रोबोट 3.0 में मूवी के प्रीक्वल 2.0 में ही हमें देखने को मिले थे चिट्ठी के रिबूट वर्जन, वो भी रोबोट्स नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन जितने साइज के मिनी माइक्रो रोबोट्स, जिनमें रजनीकांत का पूरा स्वैग और कूलनेस भी भरा पड़ा था। मिनी माइक्रो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोबोट्स थे, और उनका तो नाम भी 3.0 था, और वही रोबोट मूवी की 3rd इंस्टॉलमेंट के लीड कैरेक्टर्स होने वाले हैं। जैसे कि रोबोट 2.0 में हमने देखा कि वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर पक्षी राजा को हरा देते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि रोबोट मूवी में हमने देखा था कि चिट्ठी का नेगेटिव वर्जन खुद को दुनिया पे राज करना देखना चाहता है, और 2.0 मूवी में नीला ह्यूमनॉइड ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया पक्षी राज को हराने के लिए। पक्षी राजा तो मर गया, लेकिन नेगेटिव चिट्ठी का सामना करना अभी भी बाकी है, क्योंकि पक्षी
पक्षीराज को मारने का असली मकसद यही था कि पक्षीराज 2.0 के एक काफी टफ कंपटीशन था और अगर उसे दुनिया पे राज करना है तो उसे पक्षीराज को हराना जरूरी है। लेकिन 2.0 के सभी इविल प्लान्स को फ्लॉप करेगा हमारा खास 3.0, वो भी नीला के साथ मिलकर, जिसे देखने में काफी मजा आने वाला है। रजनीकांत एक बार फिर से अपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स चिट्टी के रूप में नजर आएंगे। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ। आखिर कौन है आसिक असीमोव जिनका जिक्र रोबोट मूवी में किया गया था? आखिर क्या है असीमोव के 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स? तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्ल्ड गार्ड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइज जो कि साइंस फिक्शन जनर के एक सुपर पेशकश है। तो दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी एंड किरण उर्फ रोबोट, जिसमें रजनी सर चिट्टी के रोल और डॉक्टर वसीकरण के रोल को निभाते हैं। आज हम बात करेंगे रोबोट मूवी की डिटेलिंग के बारे में जो कि दोनों रोबोट मूवीज में देखने को मिली है। और दोस्तों यकीन मानिए सभी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। तो दोस्तों चिट्टी एक रोबोटिक कैरेक्टर है रोबोट मूवी का, और इस मूवी में आसिक असीमोव नाम के इंसान को ट्रिब्यूट दी गई है जो कि असल में फादर ऑफ रोबोटिक्स है, जिन्होंने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स का निर्माण किया है। दोस्तों बता दूं कि दुनिया में जितने भी रोबोट तैयार किए जाते हैं वो सभी रोबोट्स को इन 3 रूल्स को फॉलो करना ही होगा एक आइडियल रोबोट कहलाने के लिए, और तीनों ही रूल्स का सेम कंसेप्ट है। आइए जाने कि वो क्या है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। सबसे पहला लॉ है कि अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। यानी कि दोस्तों कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। असीमोव का दूसरा लॉ ये कहता है कि अ रोबोट मस्ट ऑबे ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि दोस्तों एक रोबोट को हमेशा ह्यूमंस के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ऑर्डर्स असीमोव के पहले लॉ को नहीं तोड़ देते। दोस्तों बता दूं कि असीमोव का थर्ड लॉ ये कहता है अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट और द सेकंड लॉ। जिसका मतलब है कि एक रोबोट को हमेशा ही खुद की रक्षा करनी चाहिए, और वो भी इस तरह से कि वो अपनी रक्षा करते करते बाकी के 2 लॉज को कभी भी ब्रेक ना करे। चिट्टी को भी इन सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपके इस मूवी के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में क्या विचार थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सिलसिला, कहने का कुछ अनकहार, सुनने का कुछ अनसुना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए का मैसेज बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों आग में ओवरहीट होने के बावजूद भी जब चिट्टी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंथ्रन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी, और चिट्ठी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में चिट्ठी के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है, और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लोज को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्ठी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्ठी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसके मैसेज बार को जरूर चेक करें,
आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था कि चिट्ठी रॉबर्ट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्री तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रॉबर्ट मूवी में जब चिट्ठी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्ठी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्ठी उस लड़की को उठाता है, उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जब चिट्ठी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे, उसी वक्त चिट्ठी की स्क्रीन पर यह मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही चिट्ठी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्ठी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्ठी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्ठी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्ठी रॉबर्ट पर, तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर। क्या कहना था हॉलीवुड डायरेक्टर ऑलिवर का रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में? आखिर किस तरह चिट्ठी ने बिना बुक खोले सारे बुक्स को याद कर लिया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंडिया की रोबोटिक जीनर की बेस्ट मूवी यानी कि रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। इस फ्रेंचाइजी में अब तक 2 मूवीज तैयार की गई हैं, रोबोट और रोबोट 2.0। हॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और मशहूर डायरेक्टर ऑलिवर स्टोन, जिन्होंने 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते हैं, उन्होंने रोबोट मूवी के बारे में अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि उनके हिसाब से रोबोट मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्म है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनलिटी है। यहाँ तक कि मूवी के साउंड एडिटर रसूल पुकुट्टी को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी रोबोट मूवी के लिए, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी के सीन्स के ऊपर बहुत ही बारीकी से और शानदार तरीके से साउंड एडिटिंग परफॉर्म की थी। चिट्ठी के हर एक सीन में, जहां वो अपने हाथ चलाता है या फिर वॉक करता है और किसी भी तरीके की मूवमेंट करता है, तो वहां रसूल ने परफेक्ट मशीन साउंड्स को लगाया है। चिट्ठी एक बहुत ही शानदार रोबोट है और वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है। डॉक्टर वसीगरन ने चिट्ठी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो किसी भी तरीके का काम परफेक्टली कर सकता है। चिट्ठी के अंदर अनगिनत फीचर्स हैं, जैसे कि हमने रोबोट मूवी में देखा था कि एक सीन में चिट्ठी ने एक ब्लड ड्रॉप को देखते ही उसका ब्लड ग्रुप बता दिया था, क्योंकि चिट्ठी के अंदर इनबिल्ट ब्लड स्कैनर भी मौजूद है, जिस वजह से ब्लड ग्रुप चेक करते वक्त हम देख सकते हैं कि चिट्ठी के मैसेज में ये शो करता है कि चिट्ठी इज स्कैनिंग डीएनए। रोबोट मूवी एक बहुत ही ज्यादा फनी सीन था, जिसमें ऐश्वर्या राय यानी कि सना अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रही होती है और बेहद परेशान होती हैं, क्योंकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही होती। उसी वक्त चिट्ठी सना से सवाल पूछने के लिए उसकी सभी बुक्स को स्कैन करते हैं और उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। अब ऐसा करना तो किसी रोबोट के लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन इस सीन के अंदर काफ़ी फनी डिटेलिंग दी गई है, जैसे कि चिट्ठी के पास इंटरनेट एक्सेस है, वो जैसे ही बुक को देखते हैं वो इंटरनेट पे उस बुक का सारा डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें सब कुछ एग्जैक्टली याद हो जाता है बिना बुक खोले। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही शेयर करना मत भूलेगा अपने दोस्तों को।
शंकर मानते हैं कि रोबोट मूवी के 4.0 और 5.0 वर्जन भी तैयार किए जा सकते हैं। कितनी मेहनत की है हॉलीवुड टेक्नीशियंस ने चिट्ठी के ऊपर। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के फेमस मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में। डायरेक्टर शंकर ने बताया है कि वो रोबोट 3.0 की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। रोबोट फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी यानी कि रोबोट 2.0 के VFX आर्टिस्ट ने खुद ये बात स्वीकार की है कि उनके लिए भी ये मूवी रोबोट मूवी से भी 10 गुना ज्यादा चैलेंज मूवी थी। यहाँ तक कि मूवी के एडिटिंग के दौरान उन्हें 3D ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ा था। 2.0 मूवी के स्टैंडर्ड किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थे। मूवी को लियास विलेन अक्षय कुमार की एंटागनिस्ट रोल होने के बावजूद भी 2.0 मूवी में रजनीकांत ने खुद कहा कि अक्षय कुमार इस मूवी के असली हीरो हैं और ना कि वो। एक इंटरव्यू में शंकर ने बात करते हुए ये बात रिवील करी कि इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट जरूर बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मूवी फ्रेंचाइजी को आगे ले जाते हुए इसके ऊपर 3.0, 4.0, 5.0 भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि एक साइंस फिक्शन मूवी है एंड इस जेनर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि साइंस फिक्शन एक बहुत ही गहरी कहानी है और जिसमें अगर आप डुबकी लगाएं तो वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। रोबोट का ऑफिशियल एडिटर VFX सुपरवाइजर इंद्रियान ने मलाइथी रंजराजन के साथ एक इंटरव्यू में ये बात रिवील की थी कि कैरी हॉलीवुड के टेक्नीशियंस जो कि रजनीकांत के रोबोटिक लुक के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने लगभग रजनी के 40 अलग अलग रोबोटिक्स वर्जन तैयार किए जिनको लगता है मल्टीप्लाई किया गया था और वो रोबोट के उस स्पेशल सीन को तैयार कर सकते हैं जिसमें ढेर सारे चिट्टी रोबोट्स में से एक वसीकरण होता है। उस सीन को प्रॉपर अंदाज से शूट करने के लिए 40 वर्जन तैयार किए गए थे। सभी हॉलीवुड टेक्नीशियंस ने पूरी लगन से अपनी काम को किया और रिजल्ट भी हम देख चुके हैं। आपके इस मूवी के बारे में क्या कंसेप्ट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ क्षण कहा, सुनने का कुछ क्षण सुना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बॉलीवुड का सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीगा सीरियल्स को। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक। क्या 3.0 रोबोट्स हमें रोबोट की अगली इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेंगे? कौन होगा 3.0 का दुश्मन मूवी रोबोट 3.0 में? स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में जो कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी पॉपुलर है एंड व्यूअर्स की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई मूवी रोबोट फ्रेंचाइजी के बारे में। रोबोट 2.0 एक बहुत ही शानदार और ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी और सभी फैंस की नजर है रोबोट 3.0 के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर शंकर ने भी मूवी के सीक्वल में अपनी रुचि दिखाई है मूवी मेकिंग में। रोबोट 3.0 में मूवी के प्रीक्वल 2.0 में ही हमें देखने को मिले थे चिट्ठी के रिबूट वर्जन, वो भी रोबोट्स नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन जितने साइज के मिनी माइक्रो रोबोट्स, जिनमें रजनीकांत का पूरा स्वैग और कूलनेस भी भरा पड़ा था। मिनी माइक्रो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग रोबोट्स थे और उनका तो नाम भी 3.0 था। और वही रोबोट मूवी की थर्ड इंस्टॉलमेंट के लीड कैरेक्टर्स होने वाले हैं। जैसे कि रोबोट 2.0 में हमने देखा कि वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर पक्षी राजा को हरा देते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि रोबोट मूवी में हमने देखा था कि चिट्ठी का नेगेटिव वर्जन खुद को दुनिया पे राज करना देखना चाहता है और 2.0 मूवी में नीला ह्यूमनॉइड ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया पक्षी राज को हराने के लिए। पक्षी राजा तो मर गया, लेकिन नेगेटिव चिट्ठी का सामना करना अभी भी बाकी है, क्योंकि पक्षी
पक्षीराज को मारने का असली मकसद यही था कि पक्षीराज 2.0 के एक काफी टफ कंपटीशन था और अगर उसे दुनिया पे राज करना है तो उसे पक्षीराज को हराना जरूरी है। लेकिन 2.0 के सभी इविल प्लान्स को फ्लॉप करेगा हमारा खास 3.0, वो भी नीला के साथ मिलकर, जिसे देखने में काफी मजा आने वाला है। रजनीकांत एक बार फिर से अपने वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स चिट्टी के रूप में नजर आएंगे। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ। आखिर कौन है आसिक असीमोव जिनका जिक्र रोबोट मूवी में किया गया था? आखिर क्या है असीमोव के 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स? तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्ल्ड आर्ट स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइज जो कि साइंस फिक्शन जेनर के एक सुपर पेशकश है। तो दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी एंथिरन उर्फ रोबोट, जिसमें रजनी सर चिट्टी के रोल और डॉक्टर वसीकरण के रोल को निभाते हैं। आज हम बात करेंगे रोबोट मूवी की डिटेलिंग के बारे में जो कि दोनों रोबोट मूवीज में देखने को मिली है। और दोस्तों यकीन मानिए सभी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। तो दोस्तों चिट्टी एक रोबोटिक कैरेक्टर है रोबोट मूवी का, और इस मूवी में आसिक असीमोव नाम के इंसान को ट्रिब्यूट दी गई है जो कि असल में फादर ऑफ रोबोटिक्स है, जिन्होंने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स का निर्माण किया है। दोस्तों बता दूं कि दुनिया में जितने भी रोबोट तैयार किए जाते हैं वो सभी रोबोट्स को इन 3 रूल्स को फॉलो करना ही होगा एक आइडियल रोबोट कहलाने के लिए, और तीनों ही रूल्स का सेम कंसेप्ट है। आइए जाने कि वो क्या है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। सबसे पहला लॉ है कि अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। यानी कि दोस्तों कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। असीमोव का दूसरा लॉ ये कहता है कि अ रोबोट मस्ट ऑबे ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि दोस्तों एक रोबोट को हमेशा ह्यूमन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ऑर्डर्स असीमोव के पहले लॉ को नहीं तोड़ देते। तो दोस्तों बता दूं कि असीमोव का थर्ड लॉ ये कहता है अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट और द सेकंड लॉ। जिसका मतलब है कि एक रोबोट को हमेशा ही खुद की रक्षा करनी चाहिए, और वो भी इस तरह से कि वो अपनी रक्षा करते करते बाकी के 2 लॉज को कभी भी ब्रेक ना करे। चिट्टी को भी इन सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सिलसिला, कहने का कुछ अनकहार, सुनने का कुछ अनसुना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए का मैसेज बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों आग में ओवरहीट होने के बावजूद भी जब चिट्टी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंथिरन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी, और चिट्ठी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में चिट्ठी के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है, और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लोज को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्ठी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्ठी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसके मैसेज बार को जरूर चेक करें,
आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था कि चिट्ठी रॉबर्ट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्री तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रॉबर्ट मूवी में जब चिट्ठी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्ठी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्ठी उस लड़की को उठाता है, उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जब चिट्ठी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे, उसी वक्त चिट्ठी की स्क्रीन पर यह मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही चिट्ठी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्ठी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्ठी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्ठी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्ठी रॉबर्ट पर, तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना।